हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। छात्र के कक्षा से गायब होने पर फूटा आक्रोश। किवरली राव मावी के बाहर अभिभावक को ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्राचार्य के अभिभावक का फोन रिसीव नहीं करने पर जताई नाराजगी। डीईओ के नाम स्कूल इंचार्ज को सौंपा ज्ञापन। आबू रोड समीपवर्ती किवरली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर आज अभिभावकों व ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल के लचर प्रबंधन पर जमकर नाराजगी जाहिर की। विद्यालय समय में कक्षा 12 के छात्र के गायब होने पर सवाल खड़े किए गए। छात्र का बस्ता कक्षा में ही पड़ा होने व विद्यालय प्रबंधन को इसकी जानकारी नहीं होने पर रोष जताया। स्कूल प्राचार्य द्वारा अभिभावक का फोन रिसीव नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की। मामले की गंभीरता के चलते जिला शिक्षा अधिकारी के नाम स्कूल के शिक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। विद्यालय में कक्षा 12 का छात्र महावीर सुतार कल 4 अक्टूबर को निर्धारित समय पर विद्यालय पहुंचा, लेकिन विद्यालय समाप्ति के बाद छात्र घर नहीं लौटा। इस पर छात्र का भाई कमरेश सुतार उसके पिता के साथ विद्यालय पहुँचा। कक्षा में छात्र का बस्ता पड़ा मिला। विद्यालय में मौजूद शिक्षकों को छात्र के गायब हो जाने के सवाल का जवाब देते नहीं बना। अनहोनी की आशंका के चलते परिजन व ग्रामीण छात्र की तलाश में जुट गए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। जैसे तैसे समय बीतता चला गया। परिजनों व ग्रामीणों में छात्र के साथ अनहोनी की आशंका बढ़ती चली गई। स्कूल समय में कक्षा से गायब हुए छात्र की तलाश में परिजन दिन भर खाक छानते रहे। रात करीब 11 बजे परिजन को छात्र आबूरो रोडवेज बस स्टेशन के सामने खड़ा मिला। छात्र को सकुशल पाकर परिजन ने राहत की सांस ली। देर रात को छात्र को घर लाया गया। मामले की गंभीरता के चलते आज छात्र के परिजन व ग्रामीण विद्यालय पहुंचे। आक्रोशित अभिभावक व ग्रामीणों ने विद्यालय के लचर प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। जिला शिक्षा अधिकारी के नाम विद्यालय के शिक्षक उत्तम सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। पूरे मामले की जांच व दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई। छात्र के अभिभावक को ग्रामीणों के अनुसार विद्यालय के प्राचार्य को लगातार फोन किया गया। उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रधानाध्यापिका ने फोन अटेंड करने की जहमत नहीं उठाई, न ही वापस कॉल बैक किया। ग्रामीणों के अनुसार विद्यालय कुप्रबंधन का शिकार है। विद्यालय के छात्र छात्राएं विद्यालय समय पर ही इधर उधर भटकते देखे जा सकते हैं। छात्र छात्राएं की विद्यालय समय में विद्यालय से बाहर आवाजाही लगी रहती है। विद्यालय प्रबंधन व प्राचार्य को अवगत करवाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। ऐसे में विद्यालय समय में किसी छात्र के गुमशुदा होने पर अनहोनी की आशंका बनी हुई है। पूर्व में इसी तरह के मामले सामने आ चुके हैं। करीब 18 वर्ष पूर्व दरबार स्कूल में एक छात्र विद्यालय समय में स्कूल से गायब हो गया था। छात्र का शव स्कूल के पास ही नदी किनारे पड़ा मिला था, जिसका पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। अभिभावकों की ओर से स्कूल प्रबंधन व तत्कालीन प्रधानाध्यापक के खिलाफ शिकायत की गई थी। वहीं एक छात्रवास से भी गायब हुए छात्र का शव पेड़ से लटकता मिला था। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए किवरली से कमलेश सुथार, इन्होंने ये कहा। 7:30 बजे के स्कूल निकला था घर से, और उसके बाद में पहले कारांश में वो अटेंड था स्कूल के अंदर। उसके बाद में दूसरे कारांश से वो स्कूल से गायब था, स्कूल में नहीं था। उसका बस्ता स्कूल में ही पाया गया, लेकिन स्कूल प्रशासन ने ना ही किसी घर वाले को सूचित किया, ना ही किसी स्कूल ऑल टीचर को। उसके बाद में हमने पता किया कि मतलब कब तक वो स्कूल घर पर नहीं आया, तो उसने मतलब हमको बताया कि जैसे कि वो सुबह 2 बजे दूसरे पेड़ में कक्षा से बाहर गया था। उसके बाद में हमने आगे की जानकारी प्राप्त की, कोचिंग सेंटर सब जगह पूछा, तो बोले कि नहीं है, स्कूल में नहीं है और वो घर पर भी नहीं आया। फिर शाम को करीब 4 बजे के बाद हमने उसकी खोज चालू कर दी। फिर हमने आसपास के सब जगह पूछा, तो बोले कि वो दूसरे पेड़ से गायब था वहाँ से। फिर हमने स्कूल प्रशासन को 20 से 25 कॉल कर दी प्रिंसिपल को, लेकिन उन्होंने एक भी कॉल अटेंड नहीं किया हमारा। तो इसके अंदर उसके बाद में हमने स्कूल के टीचर और दूसरों को भी कॉल किया, तो बोले कोई बोले कि आज मैं स्कूल नहीं आया हूँ, किसी ने बताया मैं आज किस काम से बाहर आया हूँ। तो फिर हम स्कूल प्रशासन इस तरह के लड़कों के लिए लापरवाही या लड़कियों के लिए भी लापरवाही करेगा, तो उससे हादसों का जिम्मेदार कौन होगा उसके लिए। और उसके बाद में जैसे अगर रात को 2:11-12 बजे के आसपास हमने उस लड़के को आबूर से लेके आए, तो उसके बीच में अगर कोई हादसा हुआ होगा, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहती, स्कूल प्रशासन की या हमारी। जागरूक टीवी के आबूरोड से खास रिपोर्ट।